हे फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो नेम रिवील एनिमेशन इंट्रो। सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक इंट्रो चलते हुए देखा, आज के वीडियो में आपसे बताऊंगा कि आप लोग वैसा इंट्रो कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो उसके लिए आप सभी को एक एप्लीकेशन का यूज़ करना है जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करना, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है 16 रेशन लाइन वाला ऑप्शन। फिर यहाँ से आपको चले आना है बैकग्राउंड में, और यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लोड करके इसका ड्यूरेशन आपको 8.6 सेकंड तक कर लेना है। इतना करने के बाद सिंपली आपको टिक में क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है लेयर में। फिर यहाँ से आपको चले जाना है मीडिया में। मीडिया में आने के बाद यहाँ से आपको इंट्रो का जो टेम्पलेट है उसको लोड कर लेना है। सो इंट्रो का टेम्पलेट आपको दो कलर में मिलेंगे, पहला है रेड और दूसरा है वाइट। सो आपको जिसे भी यूज़ करना है अपने इंट्रो में उसको आप यहाँ पे लोड कर लीजिए। सो मैं आपसे रेड कलर को यूज़ करके बता रहा हूँ, और इंट्रो टेम्पलेट का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे उसे लोड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है सीजर के बगल में, उसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन इसे कर लेना है। और बैक आ जाना है आपको, और आप नीचे स्क्रॉल करोगे एंड में तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन। सो उसमें क्लिक करके आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको टिक में क्लिक करके आपको आ जाना है यहाँ पे 0.2 सेकंड में। सो आपको कुछ इतना आ जाना है, 0.270 प्लस सेकंड में आपको आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है लेयर में। फिर यहाँ पे इस बार आ जाना है आपको टेक्स्ट में। फिर आप अपने इंट्रो में जो भी टेक्स्ट शो करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। सो मैं यहाँ पे योर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद ओके में क्लिक करके यहाँ पे आपको फंड का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करके आप यहाँ से एक फंड सिलेक्ट कर लीजिए। सो अगर आपको और भी फंड्स चाहिए तो ऊपर में आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके आप और भी फंड्स डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने एक फंड डाउनलोड करके रखा है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको टिक में क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इसका भी लेयर आपको, यानी इस लेयर का ड्यूरेशन आपको पूरे एंड तक कर लेना है ऊपर वाले लेयर्स की तरह ही। उसके बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके सिंपली आपको यहाँ पे इन एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक कर लेना है, और इसका एनिमेशन आपको दे देना है वाइप राइट। सो इस वाले एनिमेशन को आपको यहाँ पे इसे दे देना है। उसके बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक करके वापस से आपको क्लिक कर लेना है लेयर में। फिर वापस से आपको चले जाना है टेक्स्ट में। फिर आपको जो टैग लाइन है वो आप लिख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट योर टैग लाइन। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखते हो तो नीचे में आप लिख लीजिए www.youtube.com। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योर टैग लाइन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में कुछ इस तरीके से इसे ले आना है, और इसका भी ड्यूरेशन पूरे एंड तक कर लेना है सेम ऊपर वाले लेयर्स की तरह ही। और यहाँ पे इसका भी इन एनिमेशन आप सेम वाइप राइट दे दीजिए, और बैक आके यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट ऑप्शन, इसमें क्लिक करके यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला ऑप्शन है इसको आपको पूरा प्लस 50 कर लेना है। उसके बाद बैक आके इसका साइज छोटा करके इस टेक्स्ट के नीचे में कुछ इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, और उसके बाद आपको वापस से क्लिक कर लेना है लेयर में, और इस बार आपको चले आना है इफेक्ट में। फिर यहाँ पे आपको गेट मोर में क्लिक करके वहाँ से आपको इफेक्ट डाउनलोड करना है जिसका नाम है वेव रैप 2.0। सो आपको वहाँ से इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है गेट मोर में क्लिक करके। सो आपको इस इफेक्ट को वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लोड कर लेना है, और बैक आके बैक आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके यहाँ पे जो ये एक्स फ्रीक्वेंसी है पहले में, इसको आपको यहाँ पे 15 या फिर 16 आपको इसे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो वाई फ्रीक्वेंसी है इसको आपको 0 कर लेना है, और ये जो सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन है वाई एम्पलीट्यूड इसको आपको 0 कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट में स्पीड है इसको आपको कर लेना है 5। और उसके बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पे साइड में की एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलता है आपको की का, उसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको आ जाना है 2 सेकंड में। इतना आने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस लगाना है, उसके बाद आपको आ जाना है 1.5 सेकंड में, और आपको थोड़ा सा इसे इस तरफ स्लाइड कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो योर टेक्स्ट लिखा है उसके टी के इतना कुछ आपको स्लाइड करके ले आना है। उसके बाद आपको आ जाना है 1.9 सेकंड में। फिर उसके बाद इस तरफ कुछ इस तरीके से आपको इसे स्लाइड कर लेना है। उसके बाद सिंपली टिक।
फिर उसके बाद यहाँ पे इंट्रो टेम्पलेट वाले लेयर में क्लिक करके यहाँ पे साइड में आपको ऊपर कॉर्नर में थ्री डॉट मिलता है, उसमें क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट आपको इसे कर लेना है। उसके बाद वापस असेंबली टैग में क्लिक करके देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके का आपको अच्छा सा एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है इस इंट्रो में। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको एक इस तरीके का ऑप्शन मिलता है सेव का, उसमें क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जाना है वापस से सेम उसी प्रोजेक्ट में। फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके आपको वापस से लेयर में क्लिक कर लेना है। फिर वापस से आपको चले आना है मीडिया में, और जो हमने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो फुटेज को आपको यहाँ पे लोड करके आप एंड की तरफ वापस से स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन। सो उसमें वापस से क्लिक करके आपको इसे स्क्रीन कर लेना है, और बैक आके यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करके जो मिररिंग वाला ऑप्शन है उसमें आपको सेकंड में एक ऑप्शन मिलता है इस टाइप का, उसमें आपको क्लिक कर लेना है और बैक आके आपको आ जाना है थोड़ा सा आगे। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से उल्टा हो चुका है। सो आपको इसका साइज़ है इतना ही बड़ा कर लेना है सेम ऊपर वाले टेक्स्ट की तरह ही, और इसको नीचे में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले आना है। उसके बाद सिंपली आपको टिक में क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको वापस चले आना है। फिर वापस से क्लिक कर लेना है लेयर में, फिर वापस से चले आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद आपको पहले से एक इफेक्ट मिलता है बेसिक इफेक्ट करके, उसमें आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे गॉसियन ब्लर मिलता है आपको, उसको आपको यहाँ पे लोड करके बैक आ जाना है। और इसका ड्यूरेशन पूरे एंड तक करके सेम आपको ये जो नीचे वाला वीडियो फुटेज है इसको आपको इसके ऊपर में कवर कर लेना है। सो उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग है इसमें जाके इसको आपको कर लेना है थ्री। उसके बाद सिंपली टिक में क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको चले जाना है। उसके बाद वापस से क्लिक कर लेना है लेयर में, फिर वापस से मीडिया में, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रो पैक में एक इमेज मिलेगा, उस ये वाला इमेज को आपको वहाँ से लोड कर लेना है इंट्रो पैक से। उसके बाद इसका भी ड्यूरेशन पूरे एंड तक करके यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वापस से ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके इस बार आपको इसे कर लेना है मल्टीप्लाई। फिर आपको सिंपली टिक में क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से आपको चले आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चले आना है ऑडियो में। ऑडियो में आने के बाद यहाँ से इंट्रो का जो ऑडियो है उसको आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। सो इंट्रो ऑडियो को लोड करने के बाद हमारा जो इंट्रो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो मैं आपसे को प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो इंट्रो है वो ओवरऑल कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस की यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो सिंपल तरीके से नेम रिवील एनिमेशन इंट्रो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा, और पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे कॉर्नी वीडियो में कॉर्नी टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।